देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी, राधे राधे, सभी का बहुत स्वागत है और मेरा नाम है मेघा। आज आपको बताते हैं ऐसे कौन से अनाज हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई जा रही है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी बिल्कुल नहीं करता। हिंदू धर्म में जिस तरह पेड़ पौधों को एक पूजनीय स्थान दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह अनाज का भी विशेष महत्व है। पूजा पाठ में अनाज का उपयोग होता है, खास तौर पे अक्षत, यानी ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। इनके बिना तो पूजा अधूरी होती है। धार्मिक शास्त्रों में अनाज की तुलना देवताओं से की गई है और अनाज के दान को महान दान भी बताया गया है। आज आपको बता देते हैं वो कौन से चार साबुत अनाज हैं जो अगर आपके घर में होंगे तो भाई फायदे ही फायदे। इन अनाज में छिपा है आपकी सफलता का राज। गेहूं। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाना वर्जित है, पर उन्हें गेहूं अर्पित करना बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु को गेहूं अर्पित करने से आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और आपके घर में जल्दी ही बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती हैं। गेहूं का ये उपाय जीवन में खुशहाली ला सकता है। चावल यानी अक्षत, इसका भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। खाने से लेकर पूजा पाठ में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है और इनके बिना तो पूजा अधूरी होती है। लेकिन ध्यान रखें, पूजा में हमेशा साबुत ही चावल उपयोग करने चाहिए। टूटे हुए या छोटे बासमती के टुकड़े, खंडित चावल इस्तेमाल ना करें, इसे निषेध माना जाता है। साबुत चावल में आपकी सफलता का राज है। चलिए आपको बता देते हैं वो खास उपाय। साबुत चावल को 7 बार धोकर इसे हर सोमवार भगवान शिव पर चढ़ा दें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप चाहें तो मुट्ठी भर चावल ले सकते हैं। तीसरा है ज्वार। आजकल लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए गेहूं की रोटी की बजाय ज्वार के आटे से बनी रोटी खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्वार केवल हेल्दी नहीं होता बल्कि जीवन को भी संवार देता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया है ज्वार भगवान गणेश को काफी प्रिय है। गणेश जी को हल्दी के साथ ज्वार अर्पित करने से घर में अविवाहित लोगों का शीघ्र विवाह होने जैसे योग बनते हैं। चौथा है साबुत मूंग। ये दाल जितनी हेल्दी होती है उतनी ही ये मनोकामना पूर्ति में भी मदद करती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है माँ दुर्गा को हर शुक्रवार को साबुत मूंग चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो भाई अगर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो ये अनाज आप भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। हम आपको ना ही तो कोई फोर्स कर रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा है आप वो सब कर सकते हैं। राधे राधे।